Hello all my dear students, welcome back to Prudence Coaching. In today's class, we are going to start with Mathematics B of Chapter 3. तो हम लोग इस वीडियो में Mathematics B सीखेंगे Chapter 3 में से, जो हम लोगों का 3 digit numbers है. So let us start with the first question. तो first question से start करते हैं. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Ashok collects stamps. तो अशोक नाम का एक लड़का है जो स्टैम्प्स कलेक्शन करते हैं. ही सेज, उन्होंने बोला, इफ आई गेट वन मोर स्टैम्प, अगर मेरे पास एक और स्टैम्प आ जाएगा तो आई विल हैव 1000 स्टैम्प्स. तो मेरे पास टोटल 1000 स्टैम्प्स होंगे. हाउ मेनी स्टैम्प्स डज ही हैव, तो उनके पास कितने स्टैम्प्स है वो आपको बताना पड़ेगा. तो हम लोग देख सकते हैं कि उसके पास 1000 में से एक कम है. सो 1000 माइनस 1 करेंगे तो उसके पास कितने स्टैम्प्स है वो निकल के आ जाएगा. तो यहाँ पर 0 में से 1 माइनस करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको 0 के आगे हम लोग 1 बोरो कर लेंगे. मतलब इस जो 100 है, 100 में से 1 ले लेंगे तो ये 99 हो जाएगा. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 माइनस 1 है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 9 मिल जाएगा. और यहाँ पर 99 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 99 ऐसे बैठ जाएगा. तो 999 स्टैम्प्स उनके पास अभी है. तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ही हैज 999 स्टैम्प्स विथ सम नंबर 2. आई एम अ 3 डिजिट नंबर, मैं एक 3 अंकों की नंबर हूँ. मतलब क्या, वंस प्लेस होंगे, फिर टेंस प्लेस होंगे, फिर 100 प्लेस होंगे. 3 अंकों का संख्या तो यही होता है ना. तो माय 100 प्लेस इज 4. तो 100 प्लेस में क्या है, 4 है यहाँ पर बोला गया है. माई वंस प्लेस इज इवन, और वंस प्लेस में जो भी नंबर है वो इवन है. एंड लेस देन 4, इवन तो है और लेस देन 4 भी है. तो इवन मतलब क्या, इवन नंबर तो 2 से स्टार्ट होता है, फिर 4 है. सो 4 से आगे कौन सी इवन नंबर है, एक ही तो है ना जो लेस देन 4 है. मतलब वंस प्लेस में 2 आ जाएगा. तो 2 एक इवन नंबर है जो 4 से छोटा है. तो 2 इज एन इवन नंबर एंड इट इज आल्सो स्मॉलर देन 4. दिस सम ऑफ वंस एंड टेंस प्लेस इज 4. अगर हम लोग वंस प्लेस में क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 में अगर हम टेंस प्लेस में जो नंबर है वो ऐड करेंगे तो हम लोगों को 4 मिलेगा. तो हम लोगों को 4 मिलेगा. सो 2 में क्या ऐड करेंगे कि 4 आ जाए. 2 में 2 ऐड करने पर 4 आ जाएगा. मतलब यहाँ पर भी 2 है. सो व्हाट एम आई, तो मैं कौन हूँ. तो नंबर कौन है, 422. सो आई एम 422. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ ग्रुप ऑफ 3 डिफरेंट 1 डिजिट नंबर्स हुज सम इज 6. हम लोगों को बोला गया है कि 3 डिफरेंट 1 डिजिट नंबर्स फाइंड करना है, जिनको हम लोग ऐड करेंगे तो 6 आएगा. अगर हम लोग 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा. तो 1, 2 और 3 जोड़ने पर 6 हो जा रहा है. सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दी 3 डिफरेंट 1 डिजिट नंबर्स आर 1, 2 एंड 3. सो 1 + 2 + 3 विल गिव यू 6. तो ये 3 ही नंबर है. फिर चलो हम लोग लाइफ स्किल स्टार्ट करते हैं. अ टॉय कार कॉस्ट 455 रुपीज़. तो एक टॉय कार का कीमत है 455. अ टॉय एरोप्लेन कॉस्ट रुपीज़ 555, और एक टॉय एरोप्लेन का कॉस्ट है, कीमत है रुपीज़ 555.
Which toy can you buy if you have 500 rupees? तो अगर आपके पास 500 rupees है तो आप कौन सी टॉय खरीद सकते हैं? 500 तो है हम लोगों के पास, मतलब 500 या फिर 500 से थोड़ा कम जो भी है प्राइस वो हम लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा होगा तो हम लोग बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आई कैन बाय अ टॉय कार, क्योंकि टॉय कार का कीमत रुपीस 500 से कम है। फन एक्टिविटी, आई एम अ टू डिजिट नंबर, मैं एक टू डिजिट नंबर हूँ। फाइंड मी फ्रॉम द टेबल बाय यूजिंग द गिवन क्लूज, हम लोगों को जो क्लूज दिया गया है वो इस्तेमाल करके नंबर को फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर मतलब क्या, 1 से 9 तक जो भी नंबर है वो नहीं होगा, क्योंकि ये सारे तो 1 डिजिट नंबर है। तो फर्स्ट क्लू क्या है, आई एम ऑड, मैं एक ऑड नंबर हूँ। मतलब ये सारे तो लास्ट में 2 है, मतलब इवन है, 2 से डिविजिबल भी है, तो ये सारे नहीं होगा। यहाँ पर ए भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 है। यहाँ पर ए कॉलम भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 6 है लास्ट डिजिट में, मतलब यूनिट प्लेस में। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2 मीन्स इवन, तो ए भी नहीं होगा। यहाँ पर सारे 8 है, 8 भी 2 से डिविजिबल, तो ए नंबर्स भी डिविजिबल होंगे 2 से, तो ए सारे तो ऑड नहीं है, इवन है, तो कैंसिल दिस। फिर यहाँ पर क्या है, 0 है लास्ट में, मतलब ए नंबर्स भी डिविजिबल है 2 से, मतलब इवन है, क्योंकि नंबर ऑड है तो हम लोग कैंसिल करते जाएंगे। अब चलो, सम ऑफ माय डिजिट्स इज ग्रेटर देन 8, अगर हम लोग ऐड करेंगे डिजिट्स को तो हम लोगों को क्या 8 में से ज़्यादा मिलेगा। मतलब क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कलम में क्या है, 1+1 2, यहाँ पर 2+1 3, यहाँ पर 3+1 4, यहाँ पर 4+1, मतलब ये सारे नहीं होगा क्योंकि ये सारे 8 में से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 3+1 4, यहाँ पर 3+2 5, यहाँ पर क्या है 3+3 6, और यहाँ पर 4+3 7, तो क्योंकि हम लोग डिजिट ऐड करेंगे तो 8 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर 5+1 6, 5+2 7, 5+3 8, 8 है, मतलब ए भी नहीं होगा क्योंकि 8 में से ज़्यादा हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पर 4+5 9 है, तो ए हो सकता है, तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ पर 7+1 8 है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 7+2 क्या है, 9 है, जो ज़्यादा है 8 में से, तो ए हो सकता है। यहाँ पर 7+3 10 है, ए भी हो सकता है। यहाँ पर 4+7 11 है, ए भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, 1+9 10, यहाँ पर 2+9 11, यहाँ पर 3+9 12, और यहाँ पर 4+9 13, तो ये सारे हो सकते हैं। तो नंबर्स को हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। आई डू नॉट एंड इन 9, में 9 से एंड नहीं होता, मतलब यूनिट प्लेस में 9 नहीं होगा, तो यहाँ पर तो 9 ही है यूनिट प्लेस में, तो कैंसिल दिस नंबर्स। फिर देखो क्या दिया हुआ है, आई डोंट हैव 5 इन वंस प्लेस, मेरे 5 नहीं है वंस प्लेस में, मतलब यहाँ पर वंस प्लेस में 5 है, तो 45 भी नहीं होगा। फिर देखो क्या है, आई हैव 2 इन माई टेंस प्लेस, मेरे टेंस प्लेस में 2 है, तो टेंस प्लेस में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 2 है, मतलब नंबर क्या है, 27 ही वो नंबर है, तो आई एम 27 आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर मैथमेटिक्स भी एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट टेस्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क ये होगा कि आप लोग मैथमेटिक्स ए और बी सॉल्व करेंगे, और उन पिक्चर्स को हम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे, हम लोग चेक करके देंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड माई डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वॉन्ट टू कंटेक्ट आवर एक्सपर्ट फैकल्टीज, अगर हम लोगों से बात करना चाहते हो तो हम लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन करना। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।